हेलो एवरीवन, टुडेस टॉपिक इज अबाउट हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। पहला हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट होता है। ये फोर ब्रेन के फ्लोर से अटैच होता है। हाइपोथैलेमस को हम लोग मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये कंट्रोल करती है पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड है वो अदर ग्लैंड को कंट्रोल करती है, इस वजह से इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। हाइपोथैलेमस सिक्रीट करती है दो हार्मोन को, पहला है रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा इनहिबिटिंग हार्मोन। फर्स्ट रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करती है पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन को। दूसरा इनहिबिट हार्मोन, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन सिक्रीट होती है उनको इनहिबिट करती है। अब हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। हाइपोफाइसिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हाइपोथैलेमस के नीचे प्रेजेंट होती है। एंड जैसा कि मैंने पहले बताया, हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ये पिट्यूटरी को कंट्रोल करती है। एंड पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं क्योंकि ये अदर ग्लैंड को कंट्रोल करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसको कि हम लोग लोब्स भी बोलते हैं। पहला एंटीरियर पिट्यूटरी, दूसरा इंटरमीडिएट पिट्यूटरी, तीसरा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इंटरमीडिएट पिट्यूटरी जो होता है ये एंटीरियर और पोस्टीरियर को अलग करता है और ये एडल्ट में एब्सेंट होता है। अब हम लोग देखते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी बॉडी में कई इंपॉर्टेंट हार्मोन को सिक्रीट और सिंथेसाइज करती है। इनमें ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रिनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन आते हैं। अब हम लोग एक एक हार्मोन को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन की अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग सिंपली हार्मोन देखें तो ये केमिकल सब्सटेंस होती है। अगर ये केमिकल है तो इनका कुछ ना कुछ नेचर जरूर होगा। ग्रोथ हार्मोन प्रोटीन नेचर का होता है। अगर हम लोग प्रोटीन की बात करें तो ये वाटर सॉल्युबल होता है। जब मैंने मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन पढ़ाया था तो उसमें बताया था जो ग्रोथ हार्मोन होती है वो बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करती है। अगर ये हार्मोन ज़्यादा सिक्रेट होने लगती है तो ये कॉज करेंगी जीजीएंटिज्म। जीएंटिज्म का मतलब होता है कि जैसे अगर हम लोग देखें एक नॉर्मल हाइट, किसी किसी की हाइट बहुत ज़्यादा लंबी होती है तो उसको हम लोग जीजीएंटिज्म बोलते हैं। अगर यहीं पे ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रीट हो तो ये कॉज करेंगे डॉर्फिज्म। डॉर्फिज्म मीन्स कि बौनापन। दूसरा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज नहीं करती है तो जो थायराइड ग्लैंड है वो भी किसी हार्मोन को रिलीज नहीं करेंगे। इसलिए पिट्यूटरी का मेन रोल होता है अदर ग्लैंड को मतलब रेगुलेट करना। तीसरा है एड्रिनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन ACTH। इसको हम कॉर्टिकोट्रोपिन भी बोलते हैं। ACTH हार्मोन इन्फ्लुएंस करती है एड्रिनल ग्लैंड को कॉर्टिसोल हार्मोन को रिलीज करने के लिए। कॉर्टिसोल एक तरह की स्ट्रेस हार्मोन होती है। चौथा है ल्यूटिनाइजिंग एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर इन दोनों को मिला के हम बोले तो इसको हम लोग बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। अगर हम वुमेन की बात करें तो जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं और ये ओवरीज में एग के ग्रोथ को स्टिमुलेट करती हैं। यहीं पर अगर हम मेन की बात करते हैं तो जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्पर्म के प्रोडक्शन को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। नॉर्मली अगर FSH का लेवल मेन में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है। अब हम बच्चों में देखते हैं। बच्चों में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो लेवल होता है वो बहुत कम होता है। जैसे जैसे एज बढ़ता है, अब हम लड़कियों की बात कर रहे हैं, ओवरीज एस्ट्रोजन बनाने के लिए FSH को सिग्नल देने में हेल्प करती है। एंड इन बॉयज टेस्टिस को टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिग्नल देने में हेल्प करती है। पांचवा है मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो हार्मोन होती है ये पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होती है एंड ये प्रोड्यूस करती है मिलेलिन को, जो स्किन और हेयर को यूवी रेस से बचाता है, मतलब प्रोटेक्ट करता है। एंड इट ऑल्सो कंट्रोल द एपेटाइट। अब हम बात करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी की। पोस्टीरियर पिट्यूटरी दो इम्पॉर्टेंट हार्मोन को स्टोर और सिक्रीट करता है। पहला है ऑक्सीटोसिन, दूसरा वैसोप्रेसिन, या इसको हम लोग एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं।
फर्स्ट ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को हम लोग बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं। अगर इसके मेन फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन होता है यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करवाना। जब बेबी 9 मंथ का हो जाता है तो ये यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से जो बेबी रहता है वो बाहर आता है। जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होके ब्लड में जाता है देन वो उसके बाद यूट्रस में जाएगा तो यूट्रस उसी की वजह से कॉन्ट्रैक्ट करता है और बेबी जो रहता है बाहर आ जाता है। और इसका एक और फंक्शन है, ये डिलीवरी के बाद मिल्क के सिक्रीशन में भी हेल्प करता है। लास्ट है हमारा एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन को हम लोग वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। वैसोप्रेसिन कलेक्टिंग डक्ट और डीसीटी पर काम करती है। डीसीटी का फुल फॉर्म होता है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ये किडनी की हेल्प से वाटर को रीअब्सॉर्ब करके बॉडी के वाटर बैलेंस को मेंटेन करती है।